आपके हार्ट का जो स्ट्रेंथ होता है ना, हार्ट का जो फंक्शन होता है ना, वो आपके शरीर में कितना पानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस एक एग्जांपल बताता हूं मैं, इसका इसको प्रूव करता हूं मैं। आपको मालूम है आपका मुंह सबसे ज्यादा कब सूखता है? सवेरे सवेरे सूखता है। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कब होते हैं? वो भी सुबह के टाइम। यस तो जब भी आपका शरीर डिहाइड्रेट होगा ना, तो आपको अपनी दिल की धड़कन ना ज्यादा सुनाई देती है। जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे हार्ट पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, साउंड आएगा आपको, समझ आपको एक्सपीरियंस में आएगा कि अरे ये तो थंपिंग कर रहा है। और मालूम है आपको ब्लड प्रेशर को ठीक दिखाने के लिए मशीन में क्या, कौन सी दवाई दी जाती है? लोगों को ब्लड प्रेशर को ठीक दिखाना है तो कौन सी दवाई दी जाएगी? इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है? लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमा, टेलमिसार्टन पोटेशियम। ये हर एक के साथ में, दवाई के साथ में जोड़ जोड़ के इसको दिया जाता है। ये करती क्या है? ये आपके शरीर में से पानी को कम कर देती है। एक तो डिहाइड्रेशन है आपके बॉडी में, बॉडी में पानी की मात्रा कम है, और ऊपर से और दवाई खा के आप और डिहाइड्रेट कर दो बॉडी को। तो अब क्या करें? पानी रोकने की क्षमता आपके शरीर की अगर कमजोर हो गई तो उसको रोकना तो पड़ेगा। कुंभक रोकने का ही तो नाम है। लिवर भी मजबूत होगा, बाकी चीजें भी मजबूत हो गई आपकी। देखो डिहाइड्रेशन होगा ना तो इतनी थकावट आएगी शरीर के अंदर कि कुछ कर किया नहीं जाएगा, लोड लगेगा, जीवन ही पूरा का पूरा भार लगेगा। तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना। दवाई से आप कितना संभाल, कितना आप मैनेज कर लोगे? शरीर तो ठीक कर नहीं पाओगे आप दवाई से। थोड़ा बहुत भी आराम मिल गया तो भी प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं ना, वो फिर आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। थोड़ा समय गुजारें शरीर के साथ, इसको थोड़ा समय दें, उसके बाद देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है।